कुछ दिन पहले केआरके ने एक बात कही थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से कि बॉलीवुड से उसे बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है कि आपने हिम्मत दिखाई, हम इतने सालों से हिम्मत दिखाने की कोशिश ही नहीं कर पाए कि सलमान खान के खिलाफ लड़ सके, कोई आवाज निकाल सके। हम आज भी अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बॉलीवुड में हमारा बचाव खुचा करियर भी समाप्त हो जाएगा। इसी बीच केआरके ने एक और ट्वीट किया था जिसमें ये बात लिखी कि गोविंदा मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं सलमान खान के खिलाफ लड़ूंगा और अंतिम क्षणों तक लड़ूंगा। हालांकि केआरके ने गोविंदा को टैग नहीं किया था, जिसके बाद बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि किस गोविंदा के बारे में बात कर रहा है केआरके, ये किसी को नहीं पता, बाद में ये इंसान मुकर जाएगा। दो दिन सोशल मीडिया पर जमकर इसका बवाल कटा। अब दो दिन के बाद गोविंदा खुद सामने आए और मीडिया से उन्होंने बातचीत के दौरान जो कहा वो काफी हैरान कर देने वाला है। गोविंदा ने कहा, मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि मैं केआरके का पक्ष ले रहा हूँ। मैं सालों से केआरके के संपर्क में नहीं हूँ, न मुलाकात, न फोन पर बात और न ही मैसेजेस। जिसका नाम उसने अपनी पोस्ट में टैग किया है वो कोई और हो सकता है। यहाँ तक कि स्व घोषित फिल्म क्रिटिक मेरी फिल्मों और मेरे बारे में भी गलत बयान दे चुका है और पोस्ट कर चुका है। गोविंदा का ये कहना है कि महामारी के दौरान केआरके जो एजेंडा फैला रहा है वो ठीक नहीं है और इस तरह का एजेंडा एक फिल्म क्रिटिक है कोमल नाहता, उसने भी मेरे बारे में फैलाया है। कोमल नाहता ने ये कहा था कि गोविंदा ही वो शख्स है जिसके चलते मतलब गोविंदा ये बातें बोल रहे हैं लोगों से कि कार्तिक आर्यन को फिल्मों से बाहर निकाल दो, जिसके चलते कार्तिक आर्यन को बाकी फिल्मों से निकाला जा रहा है। वैसे बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि गोविंदा शायद डर रहे हों कि उनका जो बचा खुचा करियर है वो समाप्त न हो जाए, इसलिए वो नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो केआरके ही जानते होंगे कि वो किस गोविंदा के बारे में बात कर रहे थे और क्या बातें कहना चाहते थे। वैसे गोविंदा की बात करें तो जो कोमल नाहता ने कही है शायद ये एक तरीका है जो गोविंदा ने बात कही नहीं, उनके ऊपर इल्जाम लगाकर उनके ऊपर अटैक करने का काम किया जाए। ये बॉलीवुड की अपनी बनी बनाई राजनीति होती है कि सामने वाले शख्स ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसे लेकर ऐसी ऐसी बातें बोल दो कि लोग उसे सच मानने लगे, और ऐसा कई कलाकारों के साथ हो चुका है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपके बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।